This session is being recorded, and this is Sibu Rahman, your IELTS and English language instructor. And in today's class, we are focusing on sentence formation. सर जी, मुझे सेंटेंस भी बनाना नहीं आता. जो लोग बच्चे मुझसे ये कहते हैं, सर आई हार्डली मेक अ सेंटेंस एंड माई सेंटेंस स्ट्रक्चर इज वेरी पुअर. तो आज का सेशन उन लोगों के नाम है. बेटा, जब भी हम कोई सेंटेंस क्रिएट करते हैं, तो देखें, मैं आपको इसकी शॉर्ट फॉर्म्स भी लिख रहा हूं. हम चार चीजों का इस्तेमाल करते हैं, एस वी ओ यानी कि ऑब्जेक्ट, और उसके बाद एडवर्ब. ये किसी भी अच्छी ग्रामर बुक को पढ़ेंगे तो आपको ये शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हुई दिखाई दे सकती है. ऐसा भी मुमकिन है कि जब आप कोई सेंटेंस क्रिएट करें तो उसमें से एडवर्ब गायब हो जाए, ऐसा भी हो सकता है. आप देखिएगा. और ऐसा भी हो सकता है जब आप सेंटेंस क्रिएट करें तो ऑब्जेक्ट भी गायब हो जाए, एडवर्ब भी गायब हो जाए. ऐसा भी मुमकिन है कि जब आप कोई सेंटेंस देखें तो उसमें सब्जेक्ट ही गायब हो जाए. फिर आप देखें तो फिर आप देखेंगे कि वो एडवर्ब भी गायब हो जाएगा और सिर्फ क्या रह जाएंगे, वर्ब और ऑब्जेक्ट. ठीक है, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है. दीज आर द पॉसिबल फॉर्मेशंस विच यू कैन सी इन योर लाइफ. और अगर मैं थोड़ी सी गहराई में चला जाऊं तो फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके सेंटेंस में कुछ ऐसे मामला हो जाए, दो वर्ब आ जाए. और ऐसा भी हो सकता है कि आपके सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट आ जाए. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये लाइव एंड एक्सक्लूसिव मैं लिखता हूँ चीजें. नॉलेज, अपनी नॉलेज का 10% मैं डिलीवर करता हूँ. एक ही टॉपिक मैं दिन में 3 मरतबा पढ़ाता हूँ, लेकिन उसको पढ़ाने के बहुत सारे अंदाज हैं, उसमें बहुत सारी बातें. तो जब कोई सेंटेंस क्रिएट होता है तो देखें, ऐसा हो सकता है कि इस तरह से क्रिएट हो जाए. और फिर जब अभी आप थोड़े से बड़े होंगे तो आप पहले ही वेरिएशन के अंदर आप कहेंगे, सर ये भी तो हो सकता है, वी पहले आ जाए, सब्जेक्ट बाद में चला जाए. बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन जब वी पहले आएगा तो फिर वो ये वाली फॉर्मेशन को लेकर आएगा जिसमें आप क्वेश्चन को क्रिएट करते, और फिर वो फॉर्मेशन कुछ ऐसी नजर आती है कि वी आता है, वी के बाद एस आता है और फिर वर्ब आता है. सर सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ वी पहले आ जाए और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाए, ऐसा हो सकता है. बहुत अच्छा सवाल है अगर आपके जहन में आ रहा है कि सर हम चाह रहे हैं कि सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट और इसके अंदर वी पहले आ जाए. आ सकता है, लेकिन बहुत लिमिटेड बात है, ये बहुत लिमिटेड बात है. ऐसा हो सकता है कि पहले वी आ जाए, सब्जेक्ट आ जाए और फिर आगे जो है वो आपके पास एडवर्ब हो या ऑब्जेक्ट. मैं नहीं कहूंगा कि आपको नजर आएगा, कॉम्प्लीमेंट नजर आ सकता है. तो दीज आर द पॉसिबल फॉर्मेशन. अब आप कहेंगे, पता नहीं क्या लिख रहे हैं ये, प्लस 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 प्लस. ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और एडवर्ब. स्क्रीनशॉट ले लें, मैं गायब कर दूंगा. आपके दिमाग में ये कनेक्शंस बनने में वक्त लगेगा. स्क्रीनशॉट ले लें, ये अपने पास नोट कर लीजिएगा. दीज आर द पॉसिबल फॉर्मेशंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. सर अगर एक सेंटेंस लिख देते तो शायद आपकी बात हमारे दिमाग में बैठ जाती. आप जो सोचा करें, सिर्फ सिर्फ सोचा करें, जब वो आप सोचेंगे ना, वो मैं लिख दूंगा. कितने लोगों ने ईमानदारी से हाथ उठाकर बताइए, कितने लोगों ने ये सोचा था कि एक सेंटेंस लिखते इस फॉर्मेशन का, कितने लोगों ने सोचा था? हैंड रेस करके बता दें. 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, जो आप सोचते हैं वो मैं सोचता हूँ. माइंड रीडिंग एग्जिस्ट एंड अ टीचर इज अ गुड माइंड रीडर. तो आप सोचा करें बस मेरे सेशन में कि सर ऐसा कुछ करके दिखा दें, तो आप देखिएगा ऐसा होगा. अच्छा, ये तजर्बा भी है. तो जब मैंने 16 साल फिजिकल पढ़ाता हूँ, पढ़ा चुका हूँ, तो बच्चे मुझसे ये कहते थे, आपने ये बात कैसे लिख दी, हम तो ये सोच रहे थे. मैं कहा, बस आप सोचा करें, लेकिन सोचने से पहले सोचा करें कि जो आप सोचेंगे वो सर तक पहुंच जाता है.
माइंड रीडिंग एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड? ही राइट्स अ लेटर. सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया और आगे एडवर्ब आ गया. अब ये बात कभी भूलेंगे नहीं. अच्छा हाँ, अब सही है. अब ये मत बोलना कि इसके बीच में भी प्लस लगा दें ताकि हम चीजों को अलग कर सकें, ठीक है ना? हाँ सर, ये अब तो बिल्कुल सर हद कर दिया आपने. ही राइट्स अ लेटर. अच्छा, अब ये जो फॉर्मेशन है ना, ये बेसिकली क्वेश्चन फॉर्म, ये फॉर्मेट है क्वेश्चन का, कि पहले वर्ब आ जाए, फिर सब्जेक्ट आ जाए और फिर कोई एडवर्ब आ जाए. जैसे इज ही दियर, मैंने एक एडवर्ब इस्तेमाल कर दिया, लेकिन ये सिर्फ स्टेटिव सेंटेंस के अंदर आपको नजर आएगी. ये स्टेट वर्ब्स के साथ इस तरह की फॉर्मेशन आती है, जो आप लोग अभी आने वाले दिनों में पढ़ेंगे मेरे साथ, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आपने कहा एक सेंटेंस में दो वर्ब्स कैसे आ सकते हैं. भाई ये लीजिए, मैं सेंटेंस लिखूंगा, आप कहेंगे सर ये देखो, ही इज वर्ब आ गया, राइटिंग वर्ब आ गया, अ लेटर एट द मोमेंट आ गया एडवर्ब, ही इज राइटिंग अ लेटर एट द मोमेंट. अच्छा, अब इसको अब इसी का आप क्वेश्चन बना दीजिए, तो ये फॉर्मेशन इसी से लिंक कर रही है. आप इस क्वेश्चन इधर ले आइए, इज ही राइटिंग अ लेटर. लोग कहते हैं हमें बेसिक्स आती हैं, आप मेरे साथ जब बेसिक्स पढ़ेंगे तो आप कहेंगे ये बेसिक्स तो हमें नहीं आती है, ये प्रोफेशनल लेवल है बेसिक्स का, ठीक है? अब एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स कैसे आते हैं और एडवर्ब भी आ जाए, बिल्कुल आ सकते हैं. ही इज आस्किंग, ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन टू अली नाउ. इसमें वर्ब भी आ गया और अ क्वेश्चन एक ऑब्जेक्ट, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे, टू अली, अली एक और ऑब्जेक्ट, नाउ एडवर्ब भी आ गया. SVO, SV, ये लीजिए, ये भी लिख देते हैं, शी राइट्स अ लेटर. सर ये SV, ये लीजिए, शी राइट्स, शी नोस कर देते हैं, वो जानती है, शी नोस. और ये वाला सर, कॉल हर नाउ, ये वाला कॉल हिम. लीजिए, मैं आपके लिए स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ ताकि आप एक स्क्रीनशॉट ले लें हर फॉर्मेशन के ऊपर, ताकि आप की जो ख्वाहिश थी उसके मुताबिक आपको क्वेश्चन मिले, ठीक है? अब आपको याद रहेगा कि कौन सी फॉर्मेशन के मुताबिक सेंटेंस क्रिएट कैसे करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें. अच्छी किताबों को पढ़ेंगे तो अच्छी किताबों के अंदर इसी तरह से फॉर्मेशंस को लिखा जाता है, SVO, ठीक है? चलिए, अब यही बात मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं. जब हम एक कोई भी सेंटेंस क्रिएट करते हैं बेटा, तो हमें चार चीजें चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब. मैंने आप लोगों के लिए एक टेबल भी क्रिएट किया है आज, आपको अच्छा लगेगा ये टेबल. इस टेबल का भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये भी आज ही की तारीख में क्रिएट हुआ है, और एक असाइनमेंट मेरा नोट कीजिएगा. इन सबको हम स्मॉल में कर देते हैं ताकि कोई एतराज ना करे. मैंने देखे आपको ये दिया है एक टेबल, मैं ये कह रहा हूं कि आप इसमें से एक सब्जेक्ट उठाइए, जैसे आपने आई उठा ली, और कोई सा भी कॉम्बिनेशन उठा लें, आई कोई सा भी कॉम्बिनेशन उठा लीजिए, आई टीच, आई टीच, कोई सा भी कॉम्बिनेशन उठा लें, ही से उठा लीजिए, ही, कोई सा भी कॉम्बिनेशन उठा लें. मैंने कलरिंग कर दिए ताकि आपको पता चले मैं कहाँ बात कर रहा हूँ और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. देखिए, आई टीच, आई टॉट, आई विल टीच, आई वॉज टीचिंग, आई एम टीचिंग, आई हैव टॉट, आई हैव बीन टीचिंग.
जबान चलना शुरू हो रही है, फ्लुएंसी के ताले तोड़ने मुझे 1, 2, 3 और 4 हफ्तों में, क्योंकि जो लैंग्वेज क्लासेस होती हैं उसमें मेरा वादा होता है आप लोगों से कि 1, 2, 3, 4 हफ्ते में फ्लुएंसी का फुवारा निकल जाना चाहिए। अगर फ्लुएंसी का फुवारा नहीं खुला तो बेटा 4 हफ्ते बाद फिर सोचें गलती कहाँ कर रहे हैं। आई टीच, आई टॉट, आई विल टीच, आई वॉज टीचिंग, आई एम टीचिंग, आई हैव टॉट, आई हैव बीन टीचिंग। कबड्डी 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 कबड्डी, आई टीच, आई टॉट, आई विल टीच, आई वॉज टीचिंग, आई एम टीचिंग, आई हैव टॉट, आई हैव बीन टीचिंग। 100 मरतबा अगर ये जबान से आज सोने से पहले निकल गया तो आपकी जबान से कभी गलत वर्ड्स नहीं निकलेंगे। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। He teaches, he taught, he will teach, he was teaching, he is teaching, he has taught, he has been teaching. They teach, they taught, they will teach, they were teaching, they are teaching, they have taught, they have been teaching. आगे इंग्लिश लगाना चाहे आपकी मर्जी, आगे से कोई एडवर्ब उठा ले तो क्या बात है। आई टीच एवरी डे, आई टॉट येस्टरडे, आई विल टीच नेक्स्ट वीक, आई वॉज टीचिंग लास्ट नाइट, आई एम टीचिंग राइट नाउ, आई हैव टॉट बिफोर, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। आगे आपके सामने बहुत सारे एडवर्ब्स हैं, इसमें सिंस और फॉर भी लिखा हुआ है, वो प्रेपोजिशंस कहलाते हैं, लेकिन ये सारे वर्ड्स आप मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कहा था इसको याद कर लीजिएगा, अगर आपने मेरा दूसरा लेक्चर अटेंड नहीं किया था तो मैं भी आपको फर्रा दे देता हूँ वो वाला, उसका रट्टा मार लीजिएगा। ही टीचेस नॉर्मली, ही टीचेस समटाइम्स, ही टॉट लास्ट वीक, ही विल टीच टुमोरो, ही वॉज टीचिंग यस्टरडे, ही इज टीचिंग एट द मोमेंट, ही हैज टॉट बिफोर, ही हैज बीन टीचिंग फॉर 2 मंथ्स। असाइनमेंट नोट कीजिएगा, आई वॉन्ट यू टू क्रिएट एटलीस्ट 20 सेंटेंसेस विद आई, विद ही और विद दे। आई से आप मुझे कम से कम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेंटेंसेस आई से मुझे चाहिए। कोई सा भी एक सब्जेक्ट उठा लीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मुझे इससे चाहिए। कोई सा भी सब्जेक्ट उठा लीजिएगा, दे सात मुझे यहाँ से चाहिए, तो 7, 7, 7, 21 सेंटेंसेस मुझे चाहिए। आगे से कोई डब्बे में से एडवर्ब भी उठा लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें, ये लाइव एंड एक्सक्लूसिव मैंने आपसे शेयर किया है। और असाइनमेंट भेजने का नंबर कहाँ पर भेजेंगे? 0317-029-6209, मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है, 0317-029-6209। ये मेरा अवामी नंबर नहीं है, इट्स माय पर्सनल नंबर, एंड आई डोंट रिसीव मार्केटिंग मैसेजेस ऑन दिस नंबर। तो सिर्फ यहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे होते हैं। अपना नाम जरूर मेंशन कर दिया करें जब आप अपना असाइनमेंट फॉरवर्ड किया करें, तो मैं आपका नाम नोट कर लूँ, ठीक है। जो कहा करूँ ना वैसा किया जरूर करें, बिकॉज सर नोज द राइट एंड द फास्टेस्ट वे टू रीच द डेस्टिनेशन। इस सफर पे हमें, इस मंजिल पे पता नहीं कितने हजारों को लेकर जा चुके हैं हम, तो अगर आप बोलना चाहते हैं तो आज की इस असाइनमेंट को लिखना है, और जब लिख लें तो जबान से ऐसे बोलने की आदत डालें, आई टीच, आई टॉट, आई विल टीच, आई वॉज टीचिंग, आई एम टीचिंग, आई हैव टॉट, आई हैव बीन टीचिंग, ही टीचेस, ही टॉट, ही विल टीच, ही वॉज टीचिंग, ही इज टीचिंग, ही हैज टॉट, ही हैज बीन टीचिंग, दे आर टीचिंग, दे टॉट, दे टीच, दे विल टीच, दे आर टीचिंग, दे वर टीचिंग, दे हैव टॉट, दे हैव बीन टीचिंग। ऐसे आपका जबान चलनी चाहिए। आगे से इंग्लिश उठाइए, कोई एडवर्ब उठाइए, तो आपका दिमाग थोड़ा सा ज्यादा चलेगा, ठीक है। चलिए, ये फर्रा आपके सामने है। अगर आपको नहीं पता कि कौन से एडवर्ब्स किसके साथ आते हैं, तो मैंने इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। एवरी वीक तक अगर आप देखेंगे तो एवरी वीक तक आप प्रेजेंट सिंपल है। एवरी वीक तक अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो ये देखिएगा, पहले ये प्रेजेंट सिंपल के साथ आते हैं। मैं थोड़ा सा इसको कलर्ट कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये है प्रेजेंट सिंपल के साथ, ये ओके प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के साथ है, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, ये प्रेजेंट परफेक्ट के फैमिली वर्ड्स हैं। हर टेंस के अपने फैमिली वर्ड्स होते हैं, हर टेंस के अपने फैमिली वर्ड्स हैं। मैंने कहा था इसका रट्टा लगाना है, टाइम नहीं है आप लोगों के पास, हम टीवी के ड्रामों से फुर्सत नहीं मिल रही है, जब फुर्सत मिले तो याद कर लीजिएगा। सिंस और फॉर आपको पता है
कौन से टेंस में आते हैं, सेंस ऑफ फॉर का इस्तेमाल हम परफेक्ट प्रोग्रेसिव में करते हैं, और ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो है ना वो प्रेपोजिशंस है, और ये आप आखिर में पास्ट क्या है। ठीक है, गॉट इट? किसी का यहाँ तक कोई सवाल, कोई परेशानी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर रट्टा क्या लगाना है, मतलब रट्टा इस रट्टा इनमें रट्टा से? लगाएंगी तो जबान आदी होगी उन अल्फाजों को बोलने के लिए जो अल्फाज हमें फौरन चाहिए। कुछ चीजों का रट्टा लगाना पड़ेगा, वो रट्टा बेसिकली ड्रिल, ड्रिल इन इंग्लिश लैंग्वेज। उसका अगर मैं सही नाम दूं, आई टीच, आई टॉट, आई विल टीच, आई वॉज टीचिंग, कभी जबान से ये ना निकले आई हैज, कभी जबान से ये ना निकले ही हैव, शी हैव, योर ब्रदर हैव। ये कब निकलते हैं? जब हम प्रैक्टिस में नहीं होते। तो आपको प्रैक्टिस के लिए अपनी जबान से 100 मरतबा, 50 मरतबा रिपीट करना है। कोई वर्ब चेंज कर सकते हैं, आप टीचिंग कोई दूसरा वर्ब इंसर्ट कर दें, दे टीच, दे टॉट, दे विल टीच, दे आर टीचिंग, दे वर टीचिंग। जबान को आदी बनाना है बोलने, और वो बनता है प्रैक्टिस। ठीक है, एक्सक्यूज मी ओके। सर, और सर ये जो नेक्स्ट चार्ट नीचे वाला, ये जो अभी आपने हाईलाइट किया, मतलब डेली, ऑलवेज, नॉर्मली, यूजुअली, ये टेंस, ये क्या? ये हर टेंस के फैमिली वर्ड्स। मैंने आपको सेकंड लेक्चर के अंदर बताया था कि ये आप याद करने होते हैं कि प्रेजेंट सिंपल के साथ ये वाले अल्फाज आएंगे, प्रेजेंट प्रोग्रेस, ये हर टेंस के फैमिली वर्ड्स होते हैं। ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, ये प्रेजेंट परफेक्ट, इनको आप एज इट इज याद कर लें तो अभी फायदा हो जाएगा कि आप गलतियों से बचना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि बोलते तो हैं आप लोग इंग्लिश, इट्स नॉट लाइक दैट यू डोंट स्पीक इन इंग्लिश, लेकिन अब कम से कम कल को ये गलती नहीं होगी। देखिएगा, गलती ये नहीं होगी, आई हैव टोल्ड हर यस्टरडे संडे। यस्टरडे का तो पास्ट टेंस में कहा था कि पास्ट टेंसेज में जाएगा, तो आप शायद अपनी गलतियों को थोड़ा सा समझ गए। ठीक है, ओके यस नूर सर, सर, हैंड रेज करने की आप डालें तो मैं जिसका हैंड रेज होता है उससे बात करता हूँ। यस नूर, सर ये सेंटेंस इस तरह ठीक होगा कि टेस्ट विल बी टेकन ऑन सैटरडे? बिल्कुल सही। ज्यादा अच्छा बनाना है तो टेस्ट विल बी कंडक्टेड कर लें। ओके सर। यस सिद्रा, सर हम टुडे के साथ कौन सी फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की? बहुत अच्छा सवाल किया है। टुडे के अंदर काफी सारे मसले मसाइल हैं। अगर मैंने टुडे को प्रेजेंट टाइम दे दिया तो हम फिर सिचुएशन को डील देखते हैं। जैसे बहुत अच्छा सवाल किया, मैं इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन बहुत सारी है। मैंने कहा आई हैव टेकन सर हसीब्स क्लास टुडे। अब आपने ये सेंटेंस किस टाइम पर कहा है ये डिपेंड करता है। आई हैव टेकन सर हसीब्स क्लास टुडे, ये आपने जुमला बोला 4 PM। आपको पता है सर की एक क्लास 8 बजे भी होती है, तो पॉसिबिलिटी है कि आज मैं एक और क्लास ले लूं। लेकिन अगर यही सेंटेंस रात को 11 बजे बोला जाए तो अब आपको पता है आपका सेंट, मैंने आज सर हसीब की क्लास ली, आई हैव टेकन सर हसीब्स क्लास टुडे। आप रात में बात कर रही हैं सिद्रा अमीना से, यार आज मैंने सर की क्लास ली, सर ने एक ही टॉपिक को 3 दफा पढ़ाया, लेकिन तीनों दफा अजीब ही, मतलब एक ही बात को 3 दफा कैसे वो एक्सप्लेन करते, समझ नहीं आती बात। तो मैंने तो तीनों सेशंस लिए। अब ये जुमला पास सिंपल में चला जाएगा क्योंकि नाउ देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ टेकिंग क्लास। तब ये टुडे का, टुडे के का कोई कसूर नहीं है, कसूर किस बात का है, हमारी सिचुएशन का। वी नीड टू अंडरस्टैंड सिचुएशन जब हम टुडे का इस्तेमाल करें कि वो काम अभी हो सकता है या नहीं हो सकता है। जैसे अभी खाने का वक्त है या खत्म हो गया, मुझे बताइएगा, लंच टाइम चल रहा है या खत्म हो गया? खत्म आपका हो टी गया टाइम सिस्टम शुरू सर। होने वाला है, टी टाइम।
अब तो टी टाइम लग गया मेरे ख्याल से, लंच टाइम खत्म हो गया है, तो मैं कहूंगा मैंने आज ना आज का मैंने खाना खाया है, आई टुक लंच टुडे, क्योंकि लंच टाइम खत्म हो गया, तो टुडे का कोई कसूर नहीं है, लंच टाइम खत्म हो गया, आई टुक ब्रेकफास्ट टुडे, ये ब्रेकफास्ट टाइम खत्म हो गया, तो ये पास्ट हो गया है। तो जब हम स्टडी करते हैं ना पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट, वहां मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, तो टुडे में गड़बड़ है, मैंने बता दिया आपको, कभी प्रेजेंट परफेक्ट के साथ आएगा, कभी पास्ट सिंपल के साथ आएगा, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। मेरा आपसे एक सवाल कोमल, यस सर, आपने कहा कि सेंटेंस इस तरह बनाना है कि आई टीच आई थॉट ही टीच ही थॉट, तो आपने कहा कि इसके दरम्यान में हैव नहीं लगाना, इसके दरम्यान में हैव नहीं लगाना, एंड देन आपने एक सेंटेंस बनाया आई हैव टेकन, तो इन दोनों में डिफरेंस किस तरह पता चलेगा कि हम कब हमने हैव लगाना है और कब नहीं लगाना? नहीं, हमें मैंने देखे ही के साथ हैज लगता है, ही के साथ हैव नहीं लगता, तो ये आपको मैंने एक ऐसा टेबल बनाकर दिया है जिससे आप गलती नहीं करेंगे, ही के साथ हैज लगाइए, दे के साथ हैव लगाइए, ये कब पता चलता है, अभी तो इसे फॉर्मेशन में काम कीजिए, अब ये कौन सी सिचुएशन में कौन सा टेंस आता है ये जानने के लिए आगे की एपिसोड्स देखें, अभी तो हम सिर्फ फॉर्मेशंस पे काम कर रहे हैं। मुझे आपकी मैं आपको एक बात यकीन से बता दूं, अगले 2 हफ्ते में मैं आपकी सारी फॉर्मेशंस, जितनी फॉर्मेशंस अंग्रेजी में इस्तेमाल होती है वो सब याद करवा दूं, बिकॉज मुझे ओके सर, आपको जब आप टेंसेस पढ़ेंगी उस वक्त फॉर्मेशंस थोड़ी नहीं याद करेंगी, उस वक्त तो सिर्फ बोलना है, लेकिन बोलने के लिए फॉर्मेशंस का जहन में होना बहुत जरूरी है, तो फॉर्मेशंस पक याद हो गई, फ्लुएंसी आ गई, मेरा काम खत्म, मैं लंदन निकल जाऊंगा फ्लाइट लेकर, आप लोग सीखते रहिएगा, ठीक है? चले, इज इट पॉसिबल टू क्रिएट अ सेंटेंस विदाउट एन एडवर्ब, क्या एडवर्ब के बगैर जुमला बन सकता है? बिल्कुल यस सर बन सकते हैं, पॉसिबल बन सकता है, टाइम एक्सप्रेशंस को निकाल दें, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, मैं आइल्स वाले भी मेरे पास होते हैं, मैं आइल्स वालों को एक बात बता दूं, ये जो अल्फाज है ना, ये अल्फाज 7 बैंड्स पे लेकर जाते हैं, ये 7 बैंड्स के अल्फाज है, अगर तुम्हारे हर सेंटेंस में ये वर्ड्स चिपकाना शुरू कर दो, क्योंकि तुम लोग प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट बहुत बोलोगे, पास्ट सिंपल बहुत बोलोगे, एडवर्ब्स को चिपकाना, हर जुमले में चिपकाना, जब हर जुमले में तुम्हारा एडवर्ब चिपकेगा ना, तुम्हारी वोकैबुलरी के मार्क्स तुम्हें मिल जाते, दैट यू हैव एक्सपोजर टू अ लॉट ऑफ वोकैबुलरी, तो इन एडवर्ब्स को जरूर इस्तेमाल करें कल को जब आप आइल्स स्पीकिंग में जाए, ठीक है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बिल्कुल मुमकिन है, हम टाइम को निकाल देते हैं, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, टाइम का कोई इन्वॉल्वमेंट हमारे सेंटेंस में जरूरी नहीं है, ऑब्जेक्ट को भी ड्रॉप कर सकते हैं, शी टॉक्स, शी टॉट, शी टीचेस, आई अंडरस्टैंड, बर्ड्स फ्लाई, शी नोज, शी वर्ड्स। सवाल ये है, क्या सब्जेक्ट को भी ड्रॉप कर दें? बिल्कुल सर, करें ड्रॉप, कॉल सारा नाउ, किल हर राइट नाउ, ओपन द डोर नाउ, डोंट कॉल हिम टुनाइट, आप देखिए हमने सब्जेक्ट को भी ड्रॉप कर दिया, वर्ब आया, ऑब्जेक्ट आया, एडवर्ब आ गया, हमने एडवर्ब को भी ड्रॉप कर दिया, बस इससे छोटी फॉर्मेशन नहीं हो सकती है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हेल्प मी, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, कॉल हर, ना इसमें कोई सब्जेक्ट आपको फिलहाल नजर आ रहा है, ना इसमें कोई एडवर्ब है, इट इज पॉसिबल टू क्रिएट अ सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट, बजाय तो अभी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन अगर आप एक खास रोशनी में देखें, एक खास रोशनी में देखें, कॉल सारा को देखिए, गौर से देखिए, तो आपको बजाहिर तो वैसे कोई सब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा, ना फॉर्मेशन में ऊपर आ रहा है, लेकिन आपकी नॉलेज ये कहेगी कि सब्जेक्ट हमेशा होता है, सब्जेक्ट हमेशा होता है, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है, बल्कि एक ही सिचुएशन है, इंपेरेटिव सेंटेंस में जब हम जाते हैं तो वहां सब्जेक्ट छुप जाता है,
और इसकी पूरी डेफिनेशन गौर से सुनिएगा. इन इंपेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट यू इज यूजुअली हिडन बिकॉज इट इज डेफिनेट. मैं बात कर रहा हूं फरवा से, मैंने फरवा से कहा फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर. फरवा सामने बैठी थी, मैं कहा फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर. मैं ये क्यों कहूं यू फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर. मैंने फाइजा से कहा म्यूट योर सेल्फ, म्यूट योर सेल्फ. मैं ये क्यों कहूं यू म्यूट योर सेल्फ, क्या आप अपने आप को म्यूट करें, खुद से करें. जब एक मैंने कहा भाई म्यूट योर सेल्फ, फरवा म्यूट योर सेल्फ, फरवा अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क क्वेश्चन. सर, यहाँ तो इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात हो रही है, तो लास्ट सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेटरी जो एक्सक्लेमेशन मार्क क्यों लगा हुआ है? हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के आखिर में एक्सक्लेमेशनरी सेंटेंस इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, फुल स्टॉप भी लगा लेंगे तो कोई परेशानी नहीं है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगा लेंगे तो आपका गलत कोई कह नहीं सकता. किसी ने कह दिया कि गलत है तो सामने कर दीजिएगा, उसको रेफरेंस दे देंगे बुक्स के. ठीक है ना, इट इज ओके पॉसिबल सर, एंड इट इज गुड टू यूज मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इन मॉडर्न इंग्लिश. बस हमें बचपन में स्कूल में यह सिखाया था, हुर्रा अलास सडन एक्सप्रेशंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे. ये हमारी बचपन में मिस ने बताया था, हमें वो भी याद है. लेकिन जब हमने लैंग्वेज को स्टडी किया, डीप स्टडी किया, तो हमें पता चला इम्पेरेटिव के सेंटेंस के आखिर में अगर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया जाए तो वो ज्यादा अच्छा, ज्यादा खूबसूरती है. ठीक है, प्लीज गिव मी अ नाइफ, मुझे छुरी दीजिएगा. क्यों नहीं सर, क्या हेल्प भाई, केक काटना है, छुरी दे दे, हेल्प मी कॉल हर. बजाहिर कोई सब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा, लेकिन कॉल सारा से पहले देखिए आपको सब्जेक्ट दिखेगा, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट आम तौर से छुपा हुआ होता है. यकीन नहीं आ रहा, यकीन नहीं आ रहा तो अभी आपको आ जाएगा. अब अली सामने, मैंने कहा अली यार लाइट तो बंद कर, अली स्विच ऑफ द लाइट. मैंने ये नहीं कहा अली यू स्विच ऑफ द लाइट, मैं क्या कहूंगा अली स्विच ऑफ द लाइट, अली लाइट बंद करो. आप यू का इस्तेमाल नहीं करते, जरूरत ये होता है, डेफिनेट होता है, हिडन होता है, क्योंकि कंफर्म होता है, हमें पता है कि यहाँ पर यू है तो हम लगाते ही नहीं है. जब आपको सामने एक सेकंड पर्सन है, आप उसी से बात कर रहे हैं, दरवाजा बंद करो, क्लोज द डोर, तो सामने वाला दरवाजा बंद कर देगा. अली वक्त पर आया करो. जी सर, अली कम ऑन टाइम. अगर मैं ये कह दूं अली कम्स ऑन टाइम तो जुमला ही बदल जाएगा. अली वक्त पर आया करो. जी सर, अभी तो आप देख रहे हैं तो देखने से आपको शायद अंदाजा हो रहा हो, अली के बाद कॉमा आखिर में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, आपने कहा जी सर अली वक्त पर आया करो. लेकिन यही जुमला अगर यूं हो जाए अली कम्स ऑन टाइम, तो जुमले का मतलब ही बदल गया. अब इस जुमले का मतलब क्या होगा, अली कम्स ऑन टाइम, अली वक्त पर आता है। अली वक्त पर आता है, अली वक्त पर आया कर भाई. जी सर, अली कम ऑन टाइम. सारा मेरी बात सुनो, हाथ छोड़ो मेरा, सारा लिसन टू मी, हाथ छोड़ो मेरा, लीव माय हैंड, सारा फॉर गॉड सेक व्हाट हैपेंड, लिसन टू मी. इस जुमले का क्या मतलब है, और अगर मैंने अगला सेंटेंस बोला सारा लिसन्स टू मी, तो इस जुमले का क्या मतलब है? सारा छो सुनो, मुझे बस सारा वाले सेंटेंस में सुनने ऑर्डर ऑर्डर है नहीं जो कर सुनने रहे, वाले बस हमें सेंटेंस इस में बात आपकी सुनो, क्वेश्चन। ऑर्डर नहीं कर रहे, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सारा से हम रिक्वेस्ट करते हैं, सारा लिसन टू मी प्लीज, सारा लिसन टू मी. लेकिन सुनते ही नहीं हो, सारा लिसन्स टू मी, यहाँ पर सुनती है हमारी, सारा मेरी बात. देखो अब एक एस लगाने से और एक एस हटाने से जुमले की मीनिंग में तब्दीली आ रही है या नहीं आ रही है? सर, ये सारा लिसन्स टू में रिपीटेड एक्शन में है ना, वो बार बार सुनती है। जी. अब आपको आ रहा है गुस्सा, जब आपको गुस्सा आता है तो फिर आपकी जबान पर आ जाता है तू अपना मुंह बंद रख, तू चुप रह, तुम चुप हो जाओ, यू शट अप, यू गेट लॉस्ट, यू कीप योर माउथ शट. आ रहा है गुस्सा, देखिए गुस्से में यू आता है नहीं आता, यू गेट आउट फ्रॉम माई रूम, निकलो मेरे कमरे से बाहर, तुम मेरे घर से बाहर निकलो, मेरे अब्बा ने दिया था जेल में ये घर. अरे मैं मजाक कर रहा था, तुम सीरियस हो गए, यू गेट आउट फ्रॉम माई रूम.
गुस्से में यू आता है, तुम चली जाओ यहां से, यू जस्ट लीव मी अलोन, यू जस्ट लीव। ओके, चिल्लाओ मत। आता है गुस्सा आप लोगों को? गुस्से में यू आता है जबान पर? तुम यस सर कभी कभी। कभी कभी, तुम तो मेरी बातों में बीच में बोलो ही मत, ये तो आता है। यू जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस। और अगर आप इसका नेगेटिव बनाए तो देखिए, मैं हमेशा बताता हूँ स्कूल के टीचर्स को, आज भी बताऊंगा, जब आप लोग यूं जुमले बनाते हैं ना, बेटा बातें नहीं करें, तुम बातें नहीं करो, तुम बातें नहीं करो, यू डोंट टॉक, तुम शोर मत करो, यू डोंट मेक नॉइज, तुम गालियां मत दो, यू डोंट अब्यूज, आपके सारे जुमले गलत हो गए। जो आपने स्कूल में बच्चों के सामने बोले थे ना, वो बच्चे भी आज यही बोल रहे होंगे, यू डोंट टॉक, अले यू डोंट टॉक, यू डोंट मेक अ नॉइस, यू डोंट गो वॉशरूम, यू डोंट स्टैंड अप। ये हमारी पाकिस्तानी इंग्लिश टीचर, सही कह रहा हूँ गलत कह डोंट रहा मेक अ नॉइस होगा हूँ? यू से जुमला नहीं उठेगा, जब आप यू का इस्तेमाल करेंगे तो अब आप क्या बोलेंगी? डोंट यू स्टैंड अप, तुम खड़े मत हो, ये क्लासरूम सेंटेंस है ये। डोंट यू मेक अ नॉइस, तुम शोर मत करो, मैं तुम्हें क्लास से बाहर भेज दूंगी, तुम शोर मत करो। तो उस बच्चे को मॉनिटर बना दें हम, चलो आज से ये असलम मॉनिटर है, जो सबसे ज्यादा शोभन है उसको मॉनिटर बना दें, सिंपल, क्लास अपने आप समझ जाएगी, आप उसी पर तशद्दुद कर रही होती। जो बच्चा क्लास में सबसे गंदा है उसको आप कोई जिम्मेदारी दे दें, देखें कैसा जिम्मेदार हो जाएगा वो, कोई कोई बच्चा उसके सामने बोलेगा भी नहीं, सही है ना भाई? डोंट यू, डोंट यू डेयर, डोंट यू डेयर टू कॉल मी अगेन, दोबारा जुरत नहीं करना फोन करने की, वरना मेरे अब्बा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। डोंट यू डेयर टू टच मी अगेन, डोंट यू इंटरप्ट इन माय अफेयर्स, तो मेरे मामलात में दखल अंदाजी ना करो। इस फॉर्मेशन को सही कर रहे हैं तमाम स्टूडेंट्स, डोंट यू, नॉट यू डोंट, सही है? गॉट इट? लेकिन शायद कुछ बच्चे अभी कुछ और भी सोच रहे हो, लेकिन पहले हम आपका रिश्ता लगाते हैं। अब आपके रिश्ते वाले आ, और आपके अब्बा का जुमला आ रहा है, अरे आप लीजिए ना कबाब लीजिए, यू जस्ट हैव सम कबाब्स। अब गुस्से में नहीं है आपके अब्बा, ले आप कबाब ले भाई, सुबह से आप ही का इंतजार कर रहे थे। नहीं, अब प्यार मोहब्बत रिश्ता पक्का करना है भाई, अरे आप लीजिए ना, आप लीजिए कबाब लीजिए, यू जस्ट हैव सम कबाब्स। अब ये जो यू है ये आमादा के लिए, आप सामने वाले को आमादा कर रहे हैं किसी काम पे को करने का, लीजिए ना भाई, अच्छा आप बैठिए तो थोड़ी देर तो और बैठिए, यू जस्ट सिट हियर, आप प्लीज यू जस्ट सिट फॉर 5 मोर मिनट्स, अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, अरे आप बात तो सुने असलम भाई, आप बात सुने, आप गुस्सा कर रहे, यू जस्ट लिसन टू मी, क्या सुनो यार आपने मतलब पैसे ही नहीं दिए यार, अच्छा आप मेरी बात सुने, बात ठंडे हो जाए, आप ये पानी दिया, यू जस्ट लिसन टू मी। तो अब आपका यू गुस्सा नहीं है, अब आपका यू सामने वाले को कन्वेंस कर रहा है, परसुएट कर रहा है, परसुएट का मतलब उर्दू में होता है आमादा करना, ठीक है ना? अच्छा, अब यहां पर थोड़ी सी एक शायद आपको कंफ्यूजन हो, वो मैंने सामने रख दी है, जैसे यू स्टैंड अप, तुम खड़े जाओ, तुम खड़े जाओ, अगर यही जुमला हम इम्पेरेटिव में बोले, तुम तो खड़े ही मत होना, तुम तो खड़े ही मत होना, डोंट यू स्टैंड, डोंट यू स्टैंड अप, तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो, क्या बनेगा? तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो, यू डोंट स्पीक इंग्लिश, ये जुमला नेगेटिव है, सिंपल है, यू डोंट स्पीक इंग्लिश। अब इन दो सेंटेंसेस को गौर से देखें, सिर्फ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन और क्वेश्चन मार्क की तब्दीली है, और फॉर्मेशन सेम है और मतलब बदल रहा है। डोंट यू स्पीक इंग्लिश, उर्दू,
Don't you speak Urdu in the class? क्या मतलब? Don't you speak Urdu in the class? Yes, tell me now. Don't you? क्लास में उर्दू मत बोलो। क्लास में तुम उर्दू मत बोलो, तुम क्लास में उर्दू मत जी बोलो, सारे बच्चे इंग्लिश में लगे, तुम भी इंग्लिश में बात करो. एवरीबडी इज टॉक इन इंग्लिश, यू ऑल्सो टॉक इन इंग्लिश. ओके मैडम. अब अच्छा, अब देखिएगा, डोंट यू स्पीक उर्दू पीटर? यस परवा, डोंट यू स्पीक उर्दू? क्या तुम सर उर्दू नहीं सेंटेंस तो बोलती सेम हो? है, हाँ, लेकिन बस सिर्फ साइन चेंज हो गया ना। और बोलने का अंदाज भी चेंज है. डोंट यू स्पीक उर्दू? क्वेश्चन ऑल्सो एक्सप्रेशन बदल जाते हैं ना, क्वेश्चन के एक्सप्रेशन अलग होते हैं. सर। डोंट यू स्पीक उर्दू? नो आई डोंट स्पीक उर्दू, आई एम फ्रॉम लंदन. ओ रियली, वर यू बॉर्न इन लंदन? या आई वॉज बॉर्न देयर. सो डोंट यू स्पीक उर्दू? डोंट यू अंडरस्टैंड उर्दू इवन? नो, नॉट नॉट अ डाउट, नॉट अ सिंगल वर्ड. ओके okay. अब देखें दो सेंटेंसेस और. तुम चिल्लाओ मत शोहर बेगम से. यू डोंट शाउट, जुमला गलत है, लेकिन मैं कह रहा हूं जुमला सही है. तो फिर जुमला अगर ये सही है तो वो इसकी मीनिंग्स क्या होगी? यू डोंट शाउट, तुम शोर मत चिल्लाते करो. नहीं हो, तुम तो चिल्लाते नहीं हो, ये शोर या चिल्लाना तुम। तुम चिल्लाती नहीं हो, यू डोंट शाउट, ये प्रेजेंट सिंपल का एक नेगेटिव सेंटेंस है. तुम चिल्लाती नहीं हो, इसीलिए तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो. तुम चिल्लाओ मत, चिल्लाऊंगी, चिल्ला चिल्ला के सबको बताऊंगी, पूरे मोहल्ले को जमा कर लूंगी. फिल्मी डायलॉग. तुम चिल्लाओ मत, अब कैसे बोलोगे? तुम चिल्लाओ मत. डोंट यू शाउट। डोंट यू शाउट, डोंट यू शाउट, डोंट यू शाउट. चिल्लाऊंगी और चिल्लाऊ, डोंट यू शाउट. कुछ याद तो नहीं यार आपको, माफी हुई बातें. डोंट यू शाउट, आजा. डोंट यू शाउट, क्या तुम चिल्ला? डोंट यू शाउट, डोंट यू शाउट, क्या तुम चिल्लाती नहीं? क्या तुम चिल्लाती नहीं हो? क्या तुम चिल्लाती हो? क्या तुम चिल्लाती नहीं हो? डोंट यू शाउट. सुने तो आपको, एक दफा मैं आवाज भी तो नहीं आती ना आपको, बोलते रहो 10 दफा बोलो तो फिर जाकर आप सुनते. तुम प्यार से भी इंसान कैसे, मैं एक दफा प्यार से बोल दो मैं सुन लूंगा, क्या 10 दफा चिल्लाती हो. डोंट यू शाउट, क्या तुम चिल्लाती नहीं हो? आप सुनते भी तो नहीं है. यू डोंट टॉक, यू डोंट टॉक, यू डोंट टॉक. तुम बात तुम नहीं बात करती नहीं हो? करते, बात नहीं करते, टाइम ही नहीं है बेटा, मैं क्या करूं, बातें करने का टाइम ही नहीं अब तो. यू डोंट टॉक, पहले तो तुम 8 8 घंटे बात करते थे, अब तो तुम बात ही नहीं करते. यू डोंट टॉक, डोंट यू टॉक, आई विल किल यू. इन एंग्री तुम मूड। बात मत करो, तुम बात मत करो, तुम बात मत करो. डोंट यू टॉक. ओके मिस, आई विल नॉट टॉक. डोंट यू टॉक, क्या तुम बात नहीं क्या तुम करते? बात नहीं करती? क्या तुम बात नहीं करती? क्या तुम बात नहीं करते? आगे सारे कॉन्सेप्ट्स थोड़े बहुत क्लियर हो गए. ठीक है, ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जो हमारे गलत होते हैं, हम इस पे कोई तवज्जा नहीं देते. ना दे कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आप अच्छी अंग्रेजी की बात करते ना, फ्लुएंसी के कोई मार्क्स नहीं होते जिंदगी में, याद रखिएगा. पीटीई का टेस्ट देंगे तो फ्लुएंसी के मार्क्स मिल जाएंगे, बट काबिल लोगों के सामने जब आप लैंग्वेज बोलेंगे ना, दे विल नॉट अप्रिशिएट योर फ्लुएंसी, दे विल अप्रिशिएट योर एक्यूरेसी. इफ यू स्पीक करेक्ट इंग्लिश, पीपल विल अप्रिशिएट यू, राइट? जैसे मुझे वो अल्फाज आज भी याद है. मेरे लिए एजाज था कि मैं कराची का एक टॉप क्लास का कॉलेज था, तो उनके डायरेक्टर साहब ने मुझसे कहा, यार आप जैसी 2 4 कॉपियां और हो ना तो उनको भी ले आइएगा. मैं कैसा डॉक्यूमेंट सबमिट करा दूँ? कह लेंगे भाई आपके अल्फाज काफी हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए. तो याद रखिए बेटा, जब आप कहते हैं ना हमें डॉक्यूमेंट्स, पेपर, एक पेपर आपकी जिंदगी का फैसला नहीं करता, आपकी काबिलियत आपके लिए इनाफ है. सो वेर एवर यू गो, जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग, पीपल विल कम टू नो हाउ शैलो यू आर. तो वो मेरा एक
मैंने जिंदगी में एक ही इंटरव्यू दिया है, एंड आई इट दैट इंटरव्यू वाज कंडक्टेड बाय आई थिंक 18 इंग्लिश प्रोफेसर्स इन दैट कॉलेज. सो एंड आई आंसर्ड ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस. यू आर द फर्स्ट वन हु हैव आंसर्ड हु हैज आंसर्ड ऑल क्वेश्चंस विदाउट सेइंग आई एम सॉरी. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आप बेटा बस अपनी काबिलियत पे काम करें और चीजों को सीखते रहें, ठीक है ना? मैं फिर भी आपको बता दूं कि मैं आपको 3 महीने में अपनी नॉलेज का 5% ही दे पाऊंगा, क्योंकि जिंदगी में हमने 20 साल बहुत पढ़ा है, लेकिन आप लोग सोचते हैं 3 महीने का कोर्स तो भाई बहुत अरसा है, ये तो बहुत लंबा कोर्स है. बेटा ये तो स्टार्टर पैकेज है, इट्स अ स्टार्टर पैकेज. उसके बाद तो आपकी लर्निंग स्टार्ट होगी, हो सकता है आप एक अच्छे लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर बन जाए इफ यू कीप वर्किंग हार्ड, राइट? चले मेरा आपसे आखिरी सवाल. यस अम्बारा. सर, हम इसमें यू की जगह कोई नेम भी यूज कर सकते हैं, कोई भी, लाइक डोंट अली सिट डाउन, नहीं, हम और यू कह यू की सकते जगह कोई और हैं, सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। हम इम्पेरेटिव में हमेशा यू आएगा, हम यू अली को ला सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं आएगा. फिर हम यू कहेंगे अगर हमें अली का नाम लगाना है, अली डोंट यू गो, अली तुम तो बातें करो ही मत, हमने तो क्लास को सर पे उठा के रखा. आप यू लिख सकते हैं, हम फिर वो कॉमा लगाना पड़ेगा, लेकिन जो आपका सब्जेक्ट है वो हमेशा यू रहता है. आप एक नाम यूज करना चाहें तो कर सकते, ठीक है? यस. ओके सर, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम. सर, मुझे इससे इसी कंफ्यूजन हो रही है कि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हमारी टीचर्स जो है ना, वो मतलब सेंटेंस मेकिंग को मतलब इनकरेक्ट यूज करते हैं, जैसे कि मतलब यू डोंट मेक नॉइज, हालांकि सेंटेंस होना चाहिए डोंट यू मेक नॉइज, मतलब हम लोगों ने डोंट को फर्स्ट पे रखना है। लेकिन मैं सर यहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, मतलब कहीं पे हम लोगों ने एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाया, कहीं पे हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगाया, मीनिंग सेम है, बट ये है कि मतलब उसका सीक्वेंस डिफरेंट है। जैसे यू डोंट टॉक, ये तो हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है, नेगेटिव में है, प्रेजेंट नेगेटिव है, और उसके बाद कहीं पे इंट्रोगेटिव है। तो ये सर थोड़ा सा मुझे क्लियर कर दें, मुझे ये तीनों जो सीक्वेंस है ना, बड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। जब ये प्रेजेंस सिंपल की मीनिंग्स में आएगा ना, तो आपको कोई परेशानी की बात नहीं है ना. यू डोंट टॉक, प्रेजेंस सिंपल नेगेटिव, तुम बातें नहीं करती हो. जब प्रेजेंस सिंपल क्वेश्चन है, डोंट यू टॉक, क्या तुम बातें नहीं करती हो? और जब आपने इसको इम्पेरेटिव नेगेटिव बना दिया, तो फिर ये आपको एंग्री की मीनिंग्स, एंग्री होती है, आप गुस्से में होती है, तो आप यू का इस्तेमाल कर रही होती है, प्लस फिर आपने नेगेटिव भी बना दिया. तो अब आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, 3 मीनिंग्स आते हैं बस, और तो कोई चौथी कोई बात ही नहीं है. तब आपको शायद कभी परेशानी नहीं होगी. नहीं करती क्या तुम करती हो? तुम मत करो, तुम बातें मत करो, डोंट यू टॉक, ठीक है बेटा? हो गया मसल, इतनी सी बात थी. और जब आप बार सर बार प्रैक्टिस करते रहते ना, सुनते रहेंगे मेरे लेक्चर्स को, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं. सर आगे मेरा एक जी क्वेश्चन है सर, नरगिस. ये जो एट द मोमेंट, दीज डेज, नाउ डेज, राइट नाउ और नाउ, इसको हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में इस्तेमाल करते हैं, इज एम आर के साथ, क्या हम इसको वाजवर आईएनजी के साथ यूज कर सकते हैं? आई वॉज टीचिंग अभी, मैं पढ़ा रहा था अभी के अभी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना. आई वॉज टीचिंग एट दैट टाइम. राइट नाउ प्रेजेंट की बात करता है, एट द मोमेंट प्रेजेंट की बात करता है, नाउ प्रेजेंट की बात करता है. जब हम पास्ट में जाएंगे तो फिर वो एट द मोमेंट की जगह एट दैट टाइम हो जाता है. राइट नाउ, नाउ सबकी जगह एट दैट टाइम हो जाएगा, एट दैट टाइम, उस वक्त, ठीक है? थैंक यू सर। वो प्रेजेंट के वर्ड्स है. मेरा आपसे आखिरी सवाल, इससे पहले कि आप कोई और सवाल करें, सेमिनार आपका कोई फिर सवाल बन रहा है. नहीं सर, सवाल नहीं बन रहा, एक चीज बस ये कह रही हूँ कि जो इम्पेरेटिव में वो हमेशा यू में बनेगा, लाइक अगर हम उसमें कोई नेम भी लगाना चाहें तो पहले नेम लगाकर यू डोंट टॉक इस तरह से, और जो सिंपल में है उसमें हम मतलब शी वगैरह भी यूज कर सकते हैं, जैसे शी डोंट टॉक, शी डजंट डोंट टॉक. शी टॉक, जी जी शी सब डजेंट टॉक एंड मैं डजेंट देखिए, शी टॉक। आसान सी बात मैं आपको समझा देता हूँ. जब हम सेकंड पर्सन से मुखातिब होते हैं, आपके सामने कौन है?
ठीक है ना, जैसे आपके सामने अली है, अब आप चाहे तो आप यूं भी कह सकते हैं अली लाइट तो बंद कर दे यार। अब आपने नाम इस्तेमाल कर लिया अली, अली स्विच ऑफ द लाइट, आपने स्विच को स्विचेस तो नहीं किया ना, अली के बाद कॉमा लगा दिया आपने, अली स्विच ऑफ द लाइट, आप अली को हटा दीजिए स्विच ऑफ द लाइट। अच्छा करता हूँ आप ही, स्विच ऑफ द लाइट, लाइट बंद कर दो, सॉरी स्विच ऑफ द लाइट। आप नाम इस्तेमाल कर ले अली कॉमा लगा कर, कोई टेंशन नहीं है इंपेरेटिव में, क्योंकि जिससे आप मुखातिब हैं वो आपके सामने है। अली और सारा भी हो सकते हैं, कि यू यू प्लोरल में भी आ सकता है, तो अली और सारा गो आउटसाइड। सर तो ये इस तरह से नहीं बना सकते, जैसे अली डोंट टॉक सिंपल, अगर हम उसमें अली मेंशन करके यू ना लगाएं, जस्ट अली डोंट टॉक। मैंने यही कहा ना, अली स्विच ऑफ द लाइट, ओके ठीक है ना, मैं गुस्से में नहीं हूं, मैं अली से बात कर रहा हूँ, अली लाइट बंद कर दे यार, अली स्विच ऑफ, स्विच ऑफ द लाइट। ओके मैंने गुस्से में थोड़े नहीं हूं, लेकिन मुझे गुस्सा आ गया, अली तुम यहां से चले जाओ, अली यू लीव। अब मुझे गुस्सा आ गया, जब मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने अली नाम लिया, कॉमा लगाया, अली तुम यहां से चले, क्यों क्या हो गया ओके और सर इसको नेगेटिव में बनाएंगे जब, अली, कि मत करो मतलब अली ये काम या वो काम। अली तुम बातें नहीं करो, अली डोंट टॉक, ओके डोंट टॉक। अब आपको और ज्यादा गुस्सा आ रहा है, अभी तो आपने प्यार से बोल दिया अली बातें नहीं कर यार, मैं बड़ी हूँ यार, अली तुम बातें मत करो, ज्यादा गुस्सा आएगा तो यू लगा देंगे। फिर आप अली तुम बातें नहीं करो, समझ नहीं आई तुम्हें, अली डोंट यू टॉक। और किसी का कोई सवाल? डर नहीं आएगा सर, मतलब अगर ज्यादा गुस्सा हो तो वहां नेम भी लगेगा और साथ में यू भी लग जाएगा। जी गुस्से में तो यू आते हैं ना, गुस्से में इंपेरेटिव में हम यू लगाते ना, जी जी तू बातें ना कर भाई, डोंट यू टॉक, ओके सर, ठीक है ना, अली के साथ डर नहीं आएगा, डू नहीं, डू की जगह पे अली डजंट टॉक। बस ये सुनने के लिए मेरे कान तड़प रहे थे कि कोई तो ऐसी खूबसूरत लड़की होगी जो बोलेगी आज ये, और बोल दिया, जो मैं सोचता हूँ वो भी हो जाता है। ये देखे बहन सर यहाँ आई पर वॉन्ट टू टॉक बट आई वॉज म्यूटेड। सब अच्छा आप देखे यहाँ पर, पहले मुझे बताया सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में, सब्जेक्ट है यू, तो यू सिंगुलर यू के साथ डोंट, है, तो यू ऑलवेज यू के फॉलो साथ डू। डोंट लगता है या डजंट लगता है? सर यहाँ ऑलवेज फॉलो प्रेजेंट डू में, सर, प्रेजेंट सिंपल में यूज नहीं कर रहे ना, अगर हम प्रेजेंट सिंपल में करते तो डू डस का आता। हम सब्जेक्ट को देखते हैं ना, हम तो अभी सब्जेक्ट की बात जी कर रहे हैं, ये इंपेरेटिव भी आपको बता दूं प्रेजेंट सिंपल की एक शाख है, जब भी डोंट आ रहा है, ओके सर लेकिन सब्जेक्ट में देखते बट ना, अली सब्जेक्ट थोड़ी नहीं है, सब्जेक्ट तो यू है, काम करने वाला तो यू है, अली थोड़ी नहीं है, आई बात समझ? नहीं सर, मैं ऊपर अली डोंट टॉक का पूछ रही हूँ, वाली डजंट टॉक नहीं होगा। बशर्त ये कि उसके बाद मैं कॉमा ना लगाऊं, फिर जुमला ही बदल जाएगा, कहानियां बदल जाएंगी, अली डजेंट टॉक, अली बातें नहीं करता, यहाँ तो हम कह रहे हैं अली तू बातें मत कर भाई, वरना मैं बता रही हूँ तेरा सर काट दूंगी। सर अगर हम डजेंट लगाएंगे तो वो हैबिट में आ जाएगा, वो बातें नहीं करता, और डोंट लगा रहे तो मतलब ऑर्डर दे रहे हैं। चले आगे, इजाजत है, एक आखिरी सवाल मेरा रह गया है, क्या एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं? यस सर आ सकते हैं, आ सकते हैं सर, यस सर आ आपने सकते हैं, यस लिख सर दिया, यू आपने लिख टोल्ड, दिया, आ यस सकते हैं। सर। अगर एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो याद रखिए उनका बकायदा एक नाम है, और वो नाम से आपको पहले चीजों को समझना पड़ेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब कोई एक्शन को डायरेक्ट रिसीव करता है तो हम कहते हैं ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जब कोई एक्शन को इनडायरेक्टली रिसीव करता है तो हम कहते हैं ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और जो समथिंग होता है, समथिंग, अब आप सोचेंगे ये समथिंग क्या होता है, जो समथिंग होता है वो एक्शन को डायरेक्ट रिसीव करता है, इसीलिए समथिंग रेफर्स टू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो समबडी होता है वो हमेशा एक्शन को इनडायरेक्टली रिसीव करता है, बशर्ते कि उसमें दो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं।
जब दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो इसका मतलब ये है कि समथिंग आ रहा है और समबडी आ रहा है। अब पहले आप समझ लीजिए समथिंग क्या है। मैं दरवाजे पे दस्तक हुई, देर इज समबडी एट द डोर, या देर इज समथिंग एट द डोर? Somebody at the door. देर इज Somebody. समबडी एट द डोर। आप घर आ रही थी, दरवाजा, आपने चाबी लगाई, आप दरवाजे से चाबी, दरवाजा चाबी से दरवाजा खोल ही रही थी कि आपकी नजर दरवाजे पे लगे हुए एक नोटिस पे पड़ी। आपका मालिक मकान लगा के गया था, अगर अगले हफ्ते तक किराया ना दिया, पिछले 3 महीने का और इस महीने का, तो घर खाली कर देना। तो आपने अपने शोहर को बुलाया, सरे देर इज समबडी ऑन द समथिंग डोर, या देर इज समथिंग ऑन द डोर? समथिंग हाँ, वो जो देयर समथिंग है वो इज बेसिकली समथिंग ऑन द नोटिस, डोर. देर इज समथिंग ऑन द डोर। अब एट द डोर भी नहीं होगा, देर इज समथिंग ऑन द डोर, और वो समथिंग क्या है? नोटिस। देर इज समथिंग ऑन द डोर। आप सो रही थी, आपको अचानक से छत पे किसी के भागने की आवाज आई। अब आप क्या कहेंगी, देर इज समबडी ऑन द रूफ, या देर इज समथिंग ऑन द रूफ? देर इज आप शोर को डायर, सुने मुझे ऊपर से छत पे के भागने की आवाज आई है। अरे बिल्ली बिल्ली होगी? नहीं भाई, बहुत भारी कदमों से, लग रहा था कोई 60-70 किलो का बंदा है। वाह भाई वाह, तुमने वजन भी, तुम्हें पता चल गया, बहुत पहुंची हो भाई, जाओ जाकर देख लो फिर कौन है। देर इज नहीं, सुने चले ना, देखते हैं ऊपर कोई है। मैं क्यों जाऊं भाई, होगा ऊपर बैठा रहने दो, उसको सोने होने आया होगा। देर इज समबडी ऑन द रूफ, देर इज समबडी ऑन द रूफ। तो समबडी याद रखिएगा, हमेशा किसी इंसान को रेफर करता है। समथिंग कोई जानवर भी हो सकता है। कहते ना अक्सर कोई कीड़ा आपकी शर्ट पे होता है तो हम कहते हैं देर इज समथिंग ऑन योर शर्ट, देर इज समथिंग ऑन योर शर्ट। अब ये कोई इंक का दाग भी हो सकता है, देर इज समथिंग, कोई कीचड़ भी हो सकती है, कोई कबूतर का कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? देर इज समथिंग ऑन योर शर्ट, क्या, व्हाट इज दैट? आई डोंट नो, गो एंड चेक इट आउट। सो समबडी और समथिंग, अच्छा अब यही समबडी और समथिंग ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, क्या होगा? आई लाइक समबडी, आई लाइक समथिंग, आई लाइक समबडी, आई लाइक समथिंग, आई लाइक मुझे समबडी, दोनों होगा, बिरयानी दोनों हो पसंद सकता है, है, बिरयानी दोनों भी हो पसंद है, सकता है, सारा भी पसंद है। आई लाइक सारा, आई लाइक बहुत बिरयानी, आउटपुट, आई टीच बहुत समबडी और कैन बी यूज्ड. समथिंग, आई टीच समबडी और समथिंग, आई टीच समबडी आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, समथिंग, आई टीच सारा, आई टीच समथिंग, आई टीच इंग्लिश, आई आई टीच टीच सारा, दोनों समबडी, हो सकते हैं, दोनों दोनों हो सकते हैं, हो सकते हैं. समबडी भी समथिंग भी। आई वॉन्ट समबडी, आई वॉन्ट समथिंग, आई वॉन्ट कैंडी, आई वॉन्ट सारा, दोनों सकते। अब अगर एक सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो याद रखिएगा आज की आखिरी बात, तो समथिंग को आप पहले अगर लिख देते हैं तो उसके बाद टू और फॉर अपनी जगह बना लेते हैं। ये टू और फॉर प्रेपोजिशंस है, ये टू और फॉर प्रेपोजिशंस है, और इसके बाद समबडी आएगा। अगर आप समबडी को पहले लेकर आएंगे तो आप प्रेपोजिशंस नहीं आएंगे, समबडी समथिंग। देखिएगा, आई एस्क अ क्वेश्चन, आई एस्क अली। अगर मैं क्वेश्चन का इस्तेमाल पहले करूंगा तो मुझे प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा, आई एस्क अ क्वेश्चन टू अली। सर अगर अली को पहले ले आए, ले आओ, कोई मसला नहीं है। आई एस्क अली अ क्वेश्चन, आई गिव सादिया अ लेक्चर, लेक्चर को पहले ले आइए, समथिंग, आई गिव अ लेक्चर टू सादिया। आई टीच अली, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश टू अली, आई टीच इंग्लिश टू अली, आई टीच अली इंग्लिश। ऑल सेंटेंसेज आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आपने लेकिन जिंदगी में जो कॉमनली सुना है, आई टीच इंग्लिश टू अली, आई गिव अ लेक्चर टू सादिया, आई आस्क अ क्वेश्चन टू अली, लेकिन आज आपने एक नया सेंटेंस सीख लिया है, आई आस्क अली अ क्वेश्चन, आई गिव अ लेक्चर टू सादिया, आई टीच अली इंग्लिश। और इसी तरह से आखिरी दो सेंटेंसेस देखिएगा, चार सेंटेंसेस देखिएगा, आई विल बाय यू अ कार, आई विल बाय अ कार फॉर,
बोथ सेंटेंसेस आर एब्सोल्युटली करेक्ट. कैन यू सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, कैन यू सिंग मी अ सॉन्ग. अब यहां पर एक सवाल जहन में उठ रहा है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के, सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर टू आएगा या फिर यहाँ पर फोर आएगा. तो जादू तो है नहीं हमारे पास, आपको ये लिस्ट प्रोवाइड की है, ये वो वर्ब्स हैं जो अपने बाद टू लेते हैं. अवॉर्ड, ऑफर, सेंड. देखें, आई सेंड सम मनी टू यू, आप यू को इधर ले आइए, सम मनी को उधर ले जाइए, आई सेंड यू सम मनी, इट इज ऑल्सो करेक्ट. ये वो वर्ब्स हैं जो अपने बाद टू लेते हैं, याद करना शुरू कर दीजिएगा. ये वो वर्ब्स हैं जो अपने बाद फॉर लेते हैं. मैं टेस्ट लूंगा इसका, एक ऐसी एक्सरसाइज आपको दूंगा, इस सैटरडे को लूंगा टेस्ट या संडे को लूंगा, कि बताइए ये कौन से वर्ब्स के साथ मैं टू लगाऊं, कौन से वर्ब्स के साथ फॉर लगाऊं. जिस बच्चे ने इस लिस्ट को पढ़ा होगा, इन एग्जाम्पल्स को पढ़ा होगा और इस चार्ट को देखा होगा, मुझे बड़ा अच्छी किताब का एक नुस्खा लगा, बिल्कुल जैसे मैंने पढ़ाया बिल्कुल वैसे ही है. आप इसको लाजमी अपने नोट्स में स्टडी कीजिएगा, आपके पास नोट्स आ रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. यही लेक्चर आप दोबारा सुनना चाह रहे हैं तो मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा 8 से. अपना बहुत ख्याल रखिए. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.